वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इरना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो जी, आज मैं अफ्तारी में बना रही थी सालन जो था, काली मिर्च और नमक डाल के इसमें मैं बना रही हूँ टिंडे और प्याज का सालन। ये बहुत ही मज़े का बनता है, सिंपल रेसिपी है। इसमें मैंने सिर्फ ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हुआ है तो उसमें मैंने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और जो टिंडे कटिंग किए हुए थे वो सारे साथ ही मैंने डाल दिए और इनको अच्छे से मैंने भून लिया। साथ ही मैंने नमक और काली मिर्च डाल दिए और अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी 5-10 मिनट के लिए, फिर इसको दम पे रख दूँगी और ये बहुत ही अच्छा और खड़ा खड़ा सा सालन बनेगा, बहुत ही मज़े का लगेगा, जो कि अफ्तारी के बाद खाना खाने के लिए तैयार होगा। और साथ में बना रही हूँ मैं चना चाट, जिसके लिए मैंने चने बॉईल कर लिए और बाकी चीज़ें कटिंग की हुई हैं और अब चना चाट बनाएँगे। और साथ में बनाई है मीठे में मैंने खीर बनाई है, जो कि मैंने डाल के अभी इसमें बाउल में रखती थी और अब के ठंडी है तो अब मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये खाने के टाइम पे बिल्कुल ठंडी या मज़े हो जाएगी। और भी ये मैंने फ्रिज में रखती। यहाँ पे साथ मैंने बनाया पकौड़ों का सामान तैयार किया है, ये मैंने किया है। इसमें डाले मैंने प्याज, बंद गोभी और आलू, और इसमें मैंने डाले हैं हल्दी और कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और कुटी हुई मिर्च डाल के और काली मिर्च डाल के इसको मैंने मिक्स करके इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी लगाया है। और इस क्योंकि सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ती हैं तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके इसका अमीज़ा तैयार करके रख दिया है। और ये देखिए अभी पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा, अगर इसमें ज़्यादा पानी डाल देते और सब्ज़ियाँ भी अपने पानी छोड़ती हैं तो ये पानी ही पानी हो जाता है यहाँ पर और लिक्विड बिल्कुल लिक्विड सा बन जाता ये अमीज़ा बिल्कुल। तो चलेंगे, ये तैयार है, अब इसके पकोड़े बनाएंगे थोड़ी देर में। पहले बनाते हैं चना चाट। चने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, ये देखें इतने बॉईल होने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए ताकि ये देखें। और साथ में आलू कटिंग करके ये रखे हुए थे ये डाल दिए हैं। अब इसमें आएगा प्याज, टमाटर, खीरा। अब इसमें जा रहा है जी प्याज कटिंग हुआ, चना चाट प्याज के बिना तो अधूरी है ना। अब इसमें हमने डाल लिए है खीरा और टमाटर, दो टमाटर डाले हैं और दो ही खीरा कटिंग करके डाल दिए। और अब इसमें हम करेंगे लेमन को स्वीक, निचोड़ लेंगे अच्छे से। एक फुल लेमन, अच्छा एक लेमन का जूस अच्छे से निचोड़ लिया इसमें, हल्का सा नमक डाल दिया इसमें और साथ में थोड़ी सी डाल रहे हैं इसमें काली मिर्च। और डन हो गया हमारा चना चाट, सिंपल सा और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़े का बनता है जी ये वाला चना चाट। आप लोग चाहें तो इसमें फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एप्पल वगैरह काट सकते हैं, इसमें अमरूद भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे घर में ऐसे ही मज़े का सिंपल सा बनता है सब्जियों वाला। और चलें जी, ये पूरा पीस रह गया इतना और ये बहुत ही मज़े का डन हो गया हमारा चना चाट। इतना ने पूरा एक पीस रख दिया था, वो मैंने कहा कटिंग करके डाल दो बीच में। तो चलें जी, चना चाट हो गया रेडी और अब हम बनाएंगे पकौड़े और देखते हैं सालन। और यहाँ पे जी सालन देखते हैं, अभी नहीं बना ये, अभी थोड़ी देर लगेगी, तकरीबन 5-10 मिनट तो लगेंगे और, तो जब ये बन जाता है तो फिर मैं आते हैं पकौड़ों की तरफ डायरेक्ट। यहाँ पे जी पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, सालन बन गया है, सालन भी दिखाती हूँ। चलें जी, ये सालन बन गया है, काली मिर्च वाले टिंडे प्याज का सालन। और यहाँ पे जी हमारे पकौड़े रेडी हो रहे हैं,
पकोड़े फ्राई होने के बाद अब जी फिर करेंगे रोल और समोसे फ्राई। और बस फिर हमारी अफ्तारी डन होने वाली है। और रह गया तरबूज और खरबूजा, वो भी कटिंग करने वाले हैं, बस थोड़ी देर में वो भी कट करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तरबूज काटा है हमने साथ में अफ्तारी के लिए, और ये है साथ में खरबूजा, और ये है जी हमारी आज की अफ्तारी। और खीर हम लेंगे सबसे एंड में। ये था जी आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने प्यारों में ज़रूर शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है लाइफ ऑफ इरना के नाम पे, प्लीज़ वहाँ पे भी जाके फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।